नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस दिन देश भर में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग मंत्रियों द्वारा योग के आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करके योग का महत्व समझाया गया। योग को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लोगों को योग दिवस की बधाई दी, तो वहीं आज आंदोलन के लिए तैयार यूपी कांग्रेस अध्यक्ष में योग को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, हमारे साथ मौजूद है डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जी, उनसे जानेंगे योग दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगे। योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बधाइयां शुभकामनाएं देता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माननीय मोदी जी के प्रयासों से पूरे दुनिया में धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। योग अपनाएं, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मन और शरीर दोनों को स्वस्थ योग के माध्यम से रखा जा सकता है, ऐसी अपील मैं प्रदेशवासियों से करता हूँ। इसकी भूमिका मिली है, भूमिका के साथ यहाँ निर्वाह किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आंदोलन किया जाएगा, हमारे साथ मौजूद जा रहा है, क्या बोले? निश्चित तौर से आज जो पूरे देश के अंदर आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीट जो आज एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूरी तरीके से इन लोगों ने पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक कराए गए, पेपर भेजे गए, इसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सड़क पर है। और निश्चित तौर से आज ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, योगा करा रहे हैं, योगा डे। अरे योगा डे, पहले बच्चों का भविष्य तो सुधारो यार। योगा तो आदमी करके फिट रहेगा, जब हमारे बच्चों का भविष्य ही बर्बाद कर देंगे, जब हमारे बच्चे ही बेचारे अवसाद में चले जाएंगे, हमारे बच्चे ही डिप्रेशन में चले गए, तो ऐसा योगा कराने से क्या फ़ायदा है? योगा कराइए जब सब स्वस्थ रहे, देश सुखी रहे, प्रसन्न रहे, परिवार सुखी रहे, बच्चे बच्चियां सुखी रहें, तब योगा का और जो है उसका मतलब आता है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से योग रोज़ करना चाहिए, एक दिन फोटो खिंचाने के लिए नहीं, रोज़ करें। हम लोग तो रोज़ वाले हैं, रोज़ करते हैं। नेट की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई? हाँ, स्थगित निरस्त किया इन्होंने, निरस्त किया जो UGC उसमें हुई थी नीट की, वो नीट की किया, और अभी नीट वाली भी बाकी है, इसको भी हम लोग आज दबाव बनाएंगे कि निश्चित उनका भविष्य सुरक्षित हो और पूरी परीक्षा निरस्त करें। क्या बोलेंगे आज का आंदोलन के लेकर, क्योंकि पुलिस बहुत लगाई गई है? पुलिस लगाई है, वो तो हमारा जो है काम है, लड़ना भिड़ना, संघर्ष हमारा काम है। जब लड़ कर यहाँ आए हैं तो लड़कर आगे ही बढ़ेंगे, पुलिस हमारे स्वागत में खड़ी। आपके लिए तो लोकसभा चुनाव के बाद जो यहाँ पर संजीवनी मिली है, जो ताकत मिली है, उसका यहाँ प्रभाव दिख रहा है? नहीं, हमारे कार्यकर्ता ताकतवर हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, परिश्रम किया था, उस परिश्रम का परिणाम है सामने। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर कांग्रेस मजबूत हुई है, उत्तर प्रदेश में बहुत ताकतवर हुई, राहुल जी यहाँ से सांसद चुनकर हुए रायबरेली से, हम सब लोगों को बल मिला, हम लोगों को ऊर्जा मिली है। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अजय राय, इनका कहना है कि जो ताकत मिली है उसका उपयोग करेंगे, और जो यहाँ पर भूमिका जनता जनार्दन ने हमको दी है उस भूमिका का निर्वाह करें, क्योंकि जनता के लड़ना अब जरूरी है। उसी के तहत बड़ा आंदोलन भी किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम यहाँ पर स्थगित किया, निरस्त किए जा रहे हैं, उस पर एक बड़ी आंदोलन करना जरूरी है। और फिलहाल कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी मजबूती बना ली है, और आज बड़ा आंदोलन यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से विधानसभा की तरफ होने वाला है, जिसके लिए लगातार तैयारी हो चुकी है, और सभी कार्यकर्ताओं का हजूम यहाँ आ चुका है, और कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय यहाँ पर उस आंदोलन का नेतृत्व करते नजर आएंगे। चेयरपर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीरीज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।